Subscribe and press the bell icon for latest update. बेंगलुरु में बीजेपी प्रवक्ता ने कर्नाटक मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर एक्सट्रीमिस्ट होने का आरोप लगाया है, जो कि बहुत निंदनीय है। मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जो भाषा है, चाहे वो सिद्धरामैया जी की हो या केपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट श्री दिनेश गुंडूराव की भाषा हो, वो जितना नीचे जा सके उतना नीचे जा चुका है। और जो बहुत ही जो ऑब्जेक्शनेबल शब्द उन्होंने बोला है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ और बीएसपी के खिलाफ, जो उन्होंने कहा है कि हम सारे जो है उग्रगामी संगठन है, टेररिस्ट हैं, ये कहा है दिनेश गुंडूराव ने। उन्होंने कहा है कि हम टेररिस्ट हैं और हमें बैन कर देना चाहिए, ये श्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है। और सिद्धरामैया जी ने कहा है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और बजरंग दल और पीएचपी वाले, ये सारे जो हैं एक तो ऑब्जेक्शनेबल हैं, दूसरी चीज ये है कि डिफेमेटिव है, ये सीधा हमला जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी के ऊपर चरित्र का हमला हो रहा है, ये इसके खिलाफ हमने ये कंप्लेंट कमिश्नर को पहुंचाया है। सेक्शन 153A आईपीसी के नीचे जो डिफेमेशन और जो कैरेक्टर असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट हुआ है उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दिया है। और हम ये हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर जांच हो, इसके ऊपर कार्रवाई हो। और कंप्लेंट के साथ में हमने सीडी भी दी है दोनों की जो अटरेंसेस है उसका। पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स रहा? पुलिस ने कहा है कि जो कार्रवाई कानूनात्मक कार्रवाई जो हो सकती है वो करेंगे। एसपीएनआई न्यूज रूम की रिपोर्ट।